बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डॉक्टर नीलम देसी टिप्स में आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन आज मैं आपको जो नुस्खा बताने जा रहा हूँ वो है हाई ब्लड प्रेशर का घरेलू इलाज। नाजरीन आज मैं आपको एक चीज वादा करता चलूँ कि मेरा चैनल मुकम्मल तौर पर घरेलू चैनल है, फैमिली चैनल है, आप तमाम लोग इसकी वीडियोज देख सकते हैं। मेरा आप लोगों से वादा रहा आज के बाद हर किस्म की वीडियो जो है वो घरेलू होंगी, किसी किस्म का कोई भी मैं इसमें ऐसा मवाद शामिल नहीं करूंगा और ना ही इस तरह के नुस्खे बताऊंगा कि जिससे आप लोगों को वीडियोज देखने में कोई प्रॉब्लम पेश आती हो और किसी किस्म की आपको घबराहट फील हो रही और आप जो फैमिली में बैठकर ना देख सकते हो, क्योंकि मैं इसको मुकम्मल तौर पर घरेलू चैनल बनाकर रखना चाहता हूँ और तमाम लोग ही मेरी माएँ बहनें हर तरह के मर्द औरत इसको देख सकते हैं, इसके नुस्खों से फायदा उठा सकते हैं। मेरा कोई भी नुस्खा जो है वो बाहर से नहीं होगा, सब कुछ मुस्तनद हकीमों, मुआलजों, साइंसदानों के जो मुजरबात हैं उनमें से मैं आप लोगों के लिए नुस्खे पेश करता हूँ और साल हर साल से जो हमारे मतलब पर नुस्खा जात चल रहे हैं मैं उन नुस्खा जात को आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा और इंशाल्लाह हमेशा इसी तरह करता रहूंगा, क्योंकि मैं खुद फाजल तिब्बत जराहत हूँ। मैंने फैसलाबाद अलसेहत यूनानी मेडिकल कॉलेज से मैंने फाजल तिब्ब जराहत 4 साल कोर्स किया हुआ है और सुम अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइड हूँ। मेरी अपनी तालीम एमएससी फिजिकल एजुकेशन है एंड स्पोर्ट्स साइंसेस है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, कोई भी मैं नीम हकीम जान का खतरा नहीं हूँ। आज मैं आप लोगों को हाई ब्लड प्रेशर का घरेलू इलाज बताऊंगा। किसी भी किस्म की बहुत लंबी लंबी छोड़ने की बजाय मैं आपको सिर्फ ये अलामत बताता चलूँ की हाई ब्लड प्रेशर जो है वो होता किस वजह से है। नाज़रीन आप लोगों को एक तो मुर्गन गजाएं नहीं खानी चाहिए, नंबर दो आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए जिससे आप लोगों को किस किस तरह की गजाओं से परहेज करना चाहिए। ज्यादा मीठा आप लोगों को नहीं खाना चाहिए, हर किस्म का कोल्ड ड्रिंक जो है कोई भी डिब्बे वाली चीज है वो आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। वलायती मुर्गा जो है इसको तो आप बिल्कुल भूल ही जाए, ये तो कभी भी नहीं इस्तेमाल करें आप। इसके अलावा फास्ट फूड जिसमे मैकडोनल्ड्स है, जिंगर बर्गर है, पकौड़े, समोसे, इस तरह की जो अशिया है आपको इन चीजों से परहेज करना पड़ेगा। और घर में जो है वो ज्यादा तेज नमक मिर्च से आपको परहेज करना पड़ेगा, तली हुई चीजों से आपको परहेज करना पड़ेगा, आपको तला हुआ पराठा कभी भी नहीं आप लोगों ने खाना। ये तमाम चीजें जो है ये हाई ब्लड प्रेशर का सबब बनती हैं और इन्हीं चीजों को छोड़ दें तो यही परहेज है आप लोगों के लिए। अब नुस्खा मैं आप लोगों के लिए बताता चलूं, जो अभी भी मेरे चैनल पर आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बने बेल के आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अलर्ट जो है वो आप लोगों को मिल सके। उसके जजा मेरे दोस्तों और मेरे भाई बहनों लिख लें, हाई ब्लड प्रेशर के लिए ये घरेलू इलाज है, घरेलू नुस्खा है। 10 रुपए में जे 10 से भी यार 5 रुपए में तैयार हो जाने वाला यह नुस्खा है, बिल्कुल ही सस्ता सा नुस्खा है। और जो हुकमा हजरात हैं अपनी दुकानों पर बैठकर इसके 10-15 हजार रुपए इस हफ्ते की दवाई के या महीने की दवाई के ले लेते हैं, मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल ही फ्री में ये पेश कर रहा हूँ। इसको बनाएं और इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको ब्लड प्रेशर के मर्ज से निजात हासिल हो जाएगी। अज्जा लिख लीजिए, स्याह मिर्च, छोटी चंदन, सबज इलायची, खुशक धनिया, ये तमाम चीजें हम वजन ले लेनी है और इनको पीस कर एक सफूफ बना ले। तमाम चीजें बराबर वजन लेकर इनको पीस कर सफूफ बना, 1/1/4 हिस्सा या आधा चम्मच दिन में 3 मरतबा पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बफजले खुदा बातुफैले नबी करीम पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आप लोगों को जरूर जरूर शफा हासिल होगी और ब्लड प्रेशर का जो आपका ये मर्ज है इससे आपको आहिस्ता आहिस्ता निजात हासिल हो जाएगी। नुस्खा बता दिया है, बिल्कुल आसान और बिल्कुल सस्ता सा नुस्खा है, बनाएं और इस्तेमाल, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर जब होता है तो सर दर्द इतना शिद्दत से होने लग जाता है कि आपको कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं करते और आपको मतली वगैरह होने लग पड़ती है, जिससे तमाम घर के अफराद जो है वो भी परेशान हो जाते हैं, आप खुद परेशान हो जाते हैं, आप कहते हैं कि या अल्लाह मुझे इससे निजात क्यों नहीं मिल। बहुत आसान, बहुत सस्ता सा ये नुस्खा है जो मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश किया है, आप लोग इसको बनाएं और इस्तेमाल करें। चंद दिन के इस्तेमाल से दिन में 3 मरतबा ये इस्तेमाल करना है आपने, आधा चम्मच इस्तेमाल कर लें पानी के साथ, सुबह दोपहर शाम को आधा चम्मच पानी के साथ इस्तेमाल करें। हफ्ता 2 हफ्ते के इस्तेमाल से आपको ब्लड प्रेशर के इस मर्ज से निजात हासिल हो जाएगी। मेरा ये नुस्खा, मेरी ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बने बेल के आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस की अलर्ट्स जो है वो आप लोगों को मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।